दोस्तों प्रैक्टिकल नॉलेज देखना है, सीखना है तो सिविल साइट विजिट चैनल पे आपको आना पड़ेगा। तो आज का वीडियो भी प्रैक्टिकली आपके लिए लाइव साइट से लेके आया हूँ कि जो एक्सपेंशन जॉइंट होता है वो हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, कैसे प्रोवाइड करते हैं, प्रोसीजर क्या है, और ड्राइंग भी दिखाऊंगा और क्या क्या चीज़ें देखनी होती है एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करते तो वो कंप्लीट आपको दिखाने वाला हूं। दूसरी चीज़ दिखाऊंगा जो हम कोर कटर करते हैं, काफ़ी लोगों के कमेंट से कि कोर कटर क्या है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो कोर कटर का भी दिखाऊंगा, वो भी प्रैक्टिकली आपको बताने वाला हूं कहां कोर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ड्राइंग दिखाऊंगा, सब कुछ करवाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, वीडियो देखनी है कंप्लीट, थोड़ा टाइम आपका लूंगा, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाल बटन जो दिख रहा है वो सब्सक्राइब किया रहेगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप तभी वो देख पाओगे और प्रैक्टिकल नॉलेज सीख पाओगे और बेल आइकन जरूर दबा लो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले एक्सपेंशन जॉइंट का, उसके बाद में आपको दिखाऊंगा कोर कटर का और भी काफी चीजें आप इस वीडियो में सीखने वाले हो। जैसे सामने देख रहे हो हमारा एक्सपेंशन जॉइंट का वर्क चल रहा है, मतलब एक 32 मैक्सिमम कितना 32 मीटर के बाद आपको एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करना पड़ता है। और दूसरा क्या है, मतलब इसका देखना है जो हमारा डायस्ट जो हमने प्लेन बार यूज़ किया वो 25 mm का है, 900 mm लॉन्ग, ये दो चीज़ हो गई। तीसरी आ गई हमारा जो स्पेसिंग रहेगा एक्सपेंशन जॉइंट का, मतलब जो बार यूज़ कर रहे हैं वो 300 mm पे हमें प्रोवाइड करना है। ये मैं आपको बाद में अभी ड्राइंग में भी दिखाऊंगा ऑफिस में जाके कि उसके जनरल नोट्स क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इनमें से क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं बता दूंगा। तो एक बार यहाँ देख लो कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब एक तो चीज़ आपको क्या करनी होती है, इसका मतलब हाइट रहता है जो हमारी ग्रेड स्लैब जितने की होगी, ग्रेड स्लैब का भी मतलब टाइप है, चार टाइप की है, वो मैं आगे बताऊंगा, मीडियम ड्यूटी, हाई ड्यूटी, कैसे कैसे रहती है। तो ये हमारी लाइट ड्यूटी है, तो इसमें 150 की स्लैब है, तो हमारा जो प्रोवाइड करेंगे हम 75 mm पे, मतलब बीच में हमारा प्लेन बार प्रोवाइड करेंगे एक्सपेंशन जॉइंट के लिए। और इसमें क्या रहता है हमारा, कई भी कभार क्या होता है कि जो हमारा प्लेन बार है उसमें थिकनेस, मतलब एक फिल्म सी, मतलब एक लगा लो प्लास्टिक की इसमें वायरिंग टाइप करने को लिए बोलते हुए, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे भी प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन नीचे एक मतलब ट्रायंगुलर शेप का या वुडन का या कोई कवर रख के उसको हाइट दे देनी होती है। और करना क्या होता है, मतलब कि जब एक बार आपका कंक्रीटिंग हो गया उसके बाद क्या करना है आपको, मतलब विद इन 24 और के बाद क्या करना है, उसका जो सा कट, मतलब एक मशीन रहती है सॉ कट वाली, उससे या किसी भी टूल से आप वहाँ जहाँ एक्सपेंशन जॉइंट होगा वहाँ 25 mm नीचे एक कट कर दोगे और उसमें हमारा सीलेंट आ जाएगा, वो भी एक एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। दूसरी बात ये रही हमारी, हम एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड क्यों करते हैं कि हमारे, एक तो हमारे शिंकेज क्रैक्स जो आते हैं, लॉन्ग पैनल होगा तो शिंकेज क्रैक्स ज़्यादा आते हैं तो उसको रिजिस्ट करने के लिए। दूसरा जो हो गया हमारा कि कभी अर्थक्वेक आ गया जहाँ जो हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेसेस रहते हैं इसमें, मतलब ग्रेट स्लैब में, तो उनको जो अगर हमने अलग अलग पैनल बनाया होगा तो वो अकेले रेजिस्ट करेगा। अभी यहाँ देख रहे हो आप, हमारे ड्राइंग में दिखा देता हूँ, मतलब पहले तो मैं दिखा देता हूँ जो हमारा यूज़ हो रहा है ग्रेट स्लैब जो हम कर रहे हैं टाइप बी, तो वो कौन सा, मीडियम ड्यूटी है और 150 mm की हम थिक प्रोवाइड कर रहे हैं और M20 हमने, मैंने इसको मैं कंटिन्यू रखता हूँ, लेकिन उससे पहले एक अपडेट दे दूँ, एक ऐप के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पावर प्ले ऐप, एक ऐसी ऐप जिसमें फ्री में प्लानिंग मैनेजमेंट सब कुछ कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी ऐप है, एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए हर एक को। देखो DPR सीखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा, लेकिन अगर आप पावर प्ले ऐप में प्लानिंग या मैनेजमेंट करते हो, DPR बनाते हो, तो काफ़ी ज़्यादा इजी है। इसमें अटेंडेंस आप फीड कर सकते हो, फोटोज़ डाल सकते हो, कोई इशू आता है साइट पे वो कर सकते हो, और जिनको ये है कि सर सीखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, टफ है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो डाल दूंगा, डेमो पूरा क्लियर कैसे यूज़ करना है कैसे नहीं, वो आपको वहाँ पता चल जाए, इवन ऐप पर आपको मिल जाएगा कि डेमो देख लीजिए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऐप है, इवन हमारी कंपनी इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही है। अभी तक 1 lakh सुपरवाइजर्स, इंजीनियर्स, बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर इसको यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, कि क्योंकि इसमें क्या होता है, पूरी डिटेल यहाँ आप फीड करते हो, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में वो डिटेल यहाँ से दिख जाएगी कि हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पहुँचा है, क्या टास्क चल रहे हैं, कैसे है, सब कुछ चीज़ें, और कोई आपको ये नहीं पूछेगा अटेंडेंस के लिए कि सांबा कितने आदमी थे, क्योंकि यहाँ पे वो डिटेल भी आपको मिल जाएगी। तो ज़रूर एक बार डाउनलोड कीजिए पावर प्ले ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, फ्री ऐप है, आप इजीली अपनी कंपनी को दे सकते हो, अपने एम्प्लॉयज़ को सिखा सकते हो, तो काफ़ी अच्छी ऐप होने वाली है, तो एक बार ज़रूर विजिट करिए, डाउनलोड करके एक बार चेक ज़रूर करिए। पहले एक वीडियो डाली थी ट्रिमिक्स वाली, उसमें बताया था कि हम M20 हमें यूज़ करना है, ठीक है। और क्या करना है, मतलब जो हमारा जो नीचे हमारा सबग्रेड सॉइल, मतलब 200 mm के, मतलब आपको उसी हिसाब से लेयर वाइज बनाना है कि अच्छा
बाकी इसमें आपको क्या करना है, जो हमारा मैंने जैसे कहा वो कितना 300 mm आपको स्पेसिंग देनी है प्लेन बार में, और जो यूज़ करना है M25 करना है, ये दो चीज़, दूसरी चीज़। तीसरी जो रहेगी हमारा 450 जो आप सरिया यूज़ करोगे उसमें ग्रेट स्लैब में, वो 10 डाया का उसमें 450 लैप देना है। ये हो गया। बाकी इसके कितने टाइप रहते हैं, चार टाइप, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। ये डिपेंड रहते हैं हमारा कि उस पर लोड कितना आने वाला है। तो हमारा मीडियम में है यहाँ पे, इतना ज़्यादा नहीं है, तो हमने ये यूज़ किया जो मैंने पिंक से मार्किंग की हुआ है। बाकी ये हमारे चार टाइप के रहते हैं, वो डिपेंड होते हैं हमारे कि उस पर वो फाउंडेशन किस टाइप की है या ग्रेट स्लैब किस टाइप की है, उस पर कितना लोड आने वाला है। और इसमें मतलब बाकी जो एक्सपेंशन जॉइंट के लिए जो रहेगा स्टील बार, वो सेम रहेगा M25 का, और 300 के सेंटर से आपको प्रोवाइड करना है। और आगे मैं अभी इसका दिखा दूंगा, मतलब पूरी सेक्शन एक काटी हुई है उसमें दिखाया हुआ है कैसे प्रोवाइड करना है और क्या क्या उसमें चीज़ देखनी है। जहाँ से आप सामने देख रहे हो हमारा एक सेक्शन ये दिखाई हुई है एक्सपेंशन जॉइंट की, 32 मीटर बाद इसको मैक्सिमम आपको प्रोवाइड करना है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखो जो हमारा मतलब थिकनेस दी हुई है उसमें हाफ में हमें प्लेन बार प्रोवाइड करना है। जैसे मैंने बताया हमारे 150 की, तो 75 में आपको प्रोवाइड करना है ये चीज़। दूसरी चीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो नीचे क्या करना है, हमारा एक मतलब 25 mm का ट्रायंगलर या कुछ भी सीलेंट नीचे रख दो कि क्रैक क्रिएट हो जाएगा अपने आप एक। तो बाकी जो हमारा देखो 900 लॉन्ग 25 डाया का 300 के सेंटर से इसमें दिखाए हुए ड्राइंग में प्रोवाइड करना है। बाकी ऊपर में जो हमारा 20x20 पोली सल्फाइड जॉइंट सीलेंट प्रोवाइड करना है ऊपर में, जो सा कट से करेंगे उससे, ठीक है। और कभी कभार क्या होता है बीच में फाइबर बोर्ड रख देते हैं या बिटुमिन का कुछ रख सकते हैं। अगर आप कुछ मतलब थर्माकोल भी रख दोगे वो भी चलेगा, उस पर भी मीडिया तो दोनों लिंक दे दूंगा मैं। शीलेंट एक्सपेंशन जॉइंट का आपको आइडिया लग गया कि कैसे होता है, कहाँ प्रोवाइड करना है, ड्राइंग भी देख ली, प्रैक्टिकल भी देख ली। लेकिन अभी हम देखते हैं कोर कटर के बारे में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोर कटर क्या है, कहाँ प्रोवाइड करना है, और बहुत चीजें इसमें सीखने वाले हो। एक्सपेंशन के लिए वो बाकी है। बाकी हमारा कंक्रीटिंग के बाद कैसा दिखे हमारा एक्सपेंशन जॉइंट जो हमने पैनल 32 मीटर के बाद प्रोवाइड किया, ऐसा, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें आपके, तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। और एक तो एक्सपेंशन जो है ग्रेड स्लैब में 32 मीटर बाद मैक्सिमम के बाद आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, श्रिंक के क्रैक से बचने के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ रखनी है कि हमने जो बार यूज़ करना है M25 बार करना है, प्लेन बार 900 mm लॉन्ग होना चाहिए और 300 की स्पेसिंग से आपको वो प्रोवाइड करना है। कटर क्यों किया जाता है, जिन लोगों को पता है ठीक है, उनके लिए इसमें मैं बताऊंगा कि कौन सी जगह सेफ है। और एक क्वेश्चन हमेशा पुटअप होता है कोर कटिंग का जब हम नाम लेते हैं कि वो सेफ़ है कि नहीं है, और सेफ़ है तो कहां हम उसको प्रोवाइड करेंगे तो सेफ़ रहेगा, और क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है जब कोर कटिंग हो रही है। एज ए साइट इंजीनियर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। देखो, और स्लीप का आप लोगों को पता ही होगा स्लीप क्या होती हैं, क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो हम स्टार्ट ही उधर से ही करते हैं। देखो स्लीप्स जो होती हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो, जो हम बीम में पहले ही स्लीप प्रोवाइड कर देते हैं। क्या रीज़न होता है कोर कटर करने का या स्लीप प्रोवाइड करने का, तो रीज़न तीन चार रीज़न हो सकते हैं। या तो उसमें से आपका, देखो बीम की जो डेप्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जो हाई राइज बिल्डिंग होती है उनकी बीम की डेप्थ काफ़ी ज़्यादा होती है, और नीचे की जाती है फॉल सीलिंग, तो वो जगह वेस्ट नहीं हो और ज़्यादा जगह कंज्यूम ना हो। जैसे कि अगर जो वेस्ट वाटर पाइप होती हैं, HBAC की पाइप, फायर की पाइप हम जिसे बोलते हैं, या जो हमारी AC के डक्ट्स की पाइप होती हैं, तो उनको ले जाने के लिए अगर हम बीम के ज़रिए नहीं जाएं तो ऐसे ज़्यादा जगह यूज़ होगी। तो हम करते हैं क्या, इसलिए हम क्या करते हैं, बीम की डेप्थ ज़्यादा होने के कारण टी बीम जो रहते हैं उन्हीं के बीच से हम स्लीप प्रोवाइड करते हैं, और थ्रू आउट वहाँ हमारी वो जो पाइप रहती है, किसी भी चीज़ की पाइप है, वेस्ट वाटर की पाइप है या आपकी फायर की पाइप है, वो उसके थ्रू पास हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्लीप प्रोवाइड करते हैं साइट पे। जैसे आप सामने देख रहे हो स्लीप से होती हैं, तो अगर बाय चांस स्लीप नहीं प्रोवाइड की, कुछ गलती कर दी, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक मतलब 10 से 20 mm का अगर डिफरेंस पड़ गया तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, स्लोप में दिक्कत हो जाएगी और पाइप की बेंड, और पाइप क्योंकि सीधी रहेगी हमारी, उसमें हम कन्वर्जन या बेंड तो दे नहीं सकते, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए अगर हमने स्लीप प्रोवाइड नहीं की और प्रॉपर से अगर नहीं किया, हमने अगर भूल गए कि हमें पाइप डालनी थी या स्लीप डालनी थी, और जहाँ गलती से दूसरी जगह डाल दी, तो इस वजह से हमें कोर कटर मेनली करना पड़ सकता है।
और यहाँ जो सामने आप देख रहे हो यही रीज़न है कि ये प्लानिंग के हिसाब से मतलब पास्ट में जो प्लान नहीं किया था कि फ्यूचर में हम इसको इस वे में यूज़ करेंगे, तो इसमें हमें कोर कटर करना पड़ रहा है। जो सामने आप बीम देख रहे हो इसमें हम जो कोर कटिंग हो रहा है वो हो रहा है बेस वाटर पाइप के लिए और हमारी जो फायर की पाइप जाएगी उन दोनों के लिए यहाँ होल किया जा रहा है। तो ठीक है, इधर से क्लियर हो गया आपको कि कोर कटर हम क्यों करते हैं, क्योंकि काफ़ी फ्रेशर्स भाई हैं जिनको पता नहीं होगा कोर कटर हम करते क्यों हैं। कोर कटर और भी रीज़न के लिए किया जाता है, जब कंक्रीट की टेस्ट करना रहता है, अगर क्यूब फेल हो गए या क्यूब का टेस्ट नहीं कर पाए तो बाद में अगर स्ट्रेंथ देखनी है कंक्रीट की कि प्रॉपर स्ट्रेंथ आई है कि नहीं, तो उसके लिए भी कोर किया जाता है। वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। तो आज मैं बताऊंगा कोर का आपको अच्छे से, इसमें मैं आपको एक डायग्राम भी दिखाऊंगा, डायग्राम की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कहां आपको कोर प्रोवाइड करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चीज़ देखना कि जब भी आप कोर प्रोवाइड करो, जैसे आप सामने देख रहे हो कोर प्रोवाइड किया गया है, तो हमेशा आपको कोर कहाँ प्रोवाइड करना है, आपको सेंटर में, बीम की डेप्थ के सेंटर में। मतलब क्यों सेंटर में, अगर मैं आपको बताऊं हर बीम की डिफरेंस अलग अलग है। अगर ये सामने देख रहे हो सिंपली सपोर्टेड बीम है, और सिंपली सपोर्टेड जो बीम रहता है उसका ऊपर होता है कंप्रेशन जोन, नीचे टेंशन जोन, और सेंटर हमारी न्यूट्रल एक्सिस आ गई, तो वहाँ स्ट्रेस या लोड का दबाव सबसे कम होता है कहाँ पे, न्यूट्रल एक्सिस में। तो हमेशा हमें कोर जो करना होता है, कोर कटिंग करनी है, वो आपको सेंटर में प्रोवाइड करनी है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस पे प्रोवाइड करनी है। और अब अगर बात करें कि हम सपोर्ट के पास प्रोवाइड करें सर, कि सेंटर में कर रहे हैं या कहाँ प्रोवाइड करना चाहिए, ये तो हमें डिसाइड हो गया कि हमें जो कोर प्रोवाइड करना है वो करना है बीम के सेंटर में। एक चीज़ ये हमें क्लियर हो गई, अभी हमें क्लियर करना है कि वो हमें कहाँ प्रोवाइड करना चाहिए। तो उसके लिए मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको, फिर उसके बाद हम फिर प्रैक्टिकल वीडियो पे आएंगे, फिर और चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि कोर करना सेफ है या नहीं। तो अभी यही पॉसिबल था, ऐसी डायग्राम मैं बना सकता था जल्दी में साइड पे। तो देखो ये हमारा बीम हो गया, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इधर सपोर्ट है इसकी, इधर भी सपोर्ट है। तो ये हमारा ऊपर आ गया हमारा कंप्रेशन जोन, और नीचे हमारा आ गया टेंशन जोन, ये वाला टेंशन जोन है, ये कंप्रेशन जोन है, नीचे ए है न्यूट्रल एक्सिस। तो आपको हमेशा जो प्रोवाइड करना है कोर, वो आपको न्यूट्रल एक्सिस पे प्रोवाइड करना, मतलब सेंटर आपका ऊपर हो जाए आधा, आधा नीचे हो जाए, ठीक है। तो ए हो गया, फिर आपको जो यहां से यहां हमारी, अगर हम पकड़ के चलें यहां हमारी इधर तक हमारी शेयर फोर मैक्सिमम, अगर डायग्राम की हेल्प से देखें यहां हमारी शेयर फोर मैक्सिमम है, धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रही है, और यहां हमारा बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम है, और यहां शेयर फोर मैक्सिमम है, सपोर्ट पे हमारी शेयर फोर मैक्सिमम है, और बीच में हमारे बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम है। तो आपको कोर हमेशा कहां प्रोवाइड करना है, एक तो सेंटर का ध्यान रखना है, दूसरा आपको प्रोवाइड करना है जहां स्ट्रेस भी थोड़ा कम हो, मतलब शेयर फोर्स भी कम होगी, वो शेयर फेलियर के चांसेस कम हो, और यहां बेंडिंग मूवमेंट अभी मैक्सिमम ना हुआ, वहां आपको प्रोवाइड कर देना है। अगर हम देखें तो ऐसे आपको एरिया में प्रोवाइड करना है। तो इसी से एक क्वेश्चन निकल के आता है, अभी हम प्रैक्टिकल चलते हैं फिर से। तो क्वेश्चन ये निकल के आता है कि ये सेफ है कि नहीं। देखो बीम के अंदर कोर करना काफ़ी ख़राब चीज़ है, मतलब कुछ लोग कहते हैं अगर आर्किटेक्ट के हिसाब से हम प्रोवाइड करें तो थोड़ा बहुत सेफ रहता है, लेकिन तब भी सेफ नहीं है, क्योंकि अगर हम शेयर फोर्स के एरिया में प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ शेयर क्रैक्स वगैरह आने के चांसेस है, और वो काफ़ी इफेक्ट भी करता है। वाइब्रेशंस जब हम कोर करते टाइम वाइब्रेशंस होंगी, या जो डायमंड ब्लेड रहता है उससे थोड़ी कम होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ता है। अगर बाई चांस सरिया कट गया तो और ज़्यादा उसमें दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल तो नहीं है, लेकिन अगर काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको बीम में कोर प्रोवाइड करना है। उससे ज़्यादा सेफ़ क्या है, आप पहले ही प्लानिंग रखो, पहले ही डिसाइड करके रखो कि फ्यूचर में नीड पड़ सकती है, तो उसी हिसाब से आपको स्लीव प्रोवाइड कर देनी है। और जब भी स्लीव प्रोवाइड करो, मतलब एक्स्ट्रा रीबार तो आपको प्रोवाइड करना ही करना है उस एरिया में, बाकी आपको न्यूट्रल एक्सिस और जोन देख के ही आपको हमेशा प्रोवाइड करना है। ये होगी हमारी बात कि सेफ़ है या नहीं, तो सेफ़ नहीं है ज़्यादा वो। अभी हम आगे बढ़ते हैं उसके रेट एनालिसिस की तरफ, कि रेट एनालिसिस क्या कहता है। तो देखो कोर का जो रेट एनालिसिस होता है वो डिपेंड होता है, स्टेट पे भी डिपेंड है कि हर स्टेट में क्या क्या ले रहे हैं, लेकिन उसका डाया और उसकी जो डेप्थ रहेगी। अगर मैं इसी की प्रोजेक्ट की बात करूँ, जो आपने सामने कोर देख रहे होते हुए काफ़ी बड़ा बीम है, और जो डाया है वो 200 mm का डाया है, और लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है 900 mm, तो इसकी अप्रॉक्स कॉस्ट पड़ रही है 1800 to 2000 rupees की, अगर इसको देख के हम चलें तो। तो बाकी तो अगर जितना छोटा डाया होगा, जितनी कम डेप्थ होगी, तो उतना ज़्यादा कम वो इससे फी लेते हैं।
बाकी अगर हम बात करें अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ऐसे साइट इंजीनियर जब आप कोर कटिंग करवाओ, अगर करवानी पड़े तो आपको एक चीज़ देखनी है, जब भी कोर कटिंग जिस भी बीम में करवानी है, ये चीज़ें तो देखनी ही देखनी है जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, और फिर आपको चेक भी करना है कहीं कोर कटिंग के दौरान मेन बार नहीं कट जाए, मतलब जब वो उन्होंने मशीन फिक्स की, नट बोल्ट मारा, तो प्रॉपर से वो टाई होना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देनी है कि ये हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि थोड़ी भी हिली तो ऊपर नीचे हो गए, अगर एक बार कोर कटर चला गया कहीं मेन बार कट गया तो उसको सही करने का कोई तरीका नहीं है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी रखनी है, क्योंकि वो भी प्रोसेस भी होता है इसमें, हमारा क्या होता है जो स्कैनर आता है, जो स्टील स्कैनर होता है, मतलब जो सरिया चेक करता है कि यहाँ मेन बार है नहीं, स्कैनर से चेक कर लेना है यहाँ मेन बार है कि नहीं, तो फिर वहीं आपको हमेशा प्रोवाइड करना है। बाकी तो आपको लेंथ वगैरह देख ही लेनी है, और पॉसिबल हो तो पहले आपको स्लीप प्रोवाइड कर देनी है। ये था आज का वीडियो, आई होप आपको थोड़ा नॉलेज इसमें से मिला होगा कोर कटिंग के बारे में, कि कोर कटिंग क्या है, क्यों हम प्रोवाइड करते हैं, और क्यों हमें अवॉइड करनी चाहिए, और कहाँ हमें कोर कटिंग प्रोवाइड करनी होती है, और रेट एनालिसिस का भी थोड़ा आइडिया हो गया कि हमारा इसका डाया और लेंथ पे डिपेंड होता है। बाकी आप जो भी वेंडर या कॉन्ट्रैक्टर से करवा रहे हो उससे पूरी डिटेल ले सकते हो, और डाया और आपको लेंथ उसको बतानी रहेगी। तो गाइज, अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट करना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, और जॉब्स के अपडेट आपको हमारे नए चैनल सिविल इंजीनियरिंग जॉब्स पे मिल जाएंगे, वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। थैंक यू गाइज।